खबर करहल से है, जहां मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के तारतम्य में सोमवार को निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 17 नवंबर को एमपी में चुनाव होना है और तत्काल ही प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसी आचार संहिता के पालन में करहल थाना प्रभारी संजीव तिवारी और सब इंस्पेक्टर पीएस यादव ने पुलिस बल के साथ करहल कस्बे में सरकारी स्थानों पर लगे बैनर पोस्टर हटवाए और प्रचार संबंधित वस्तुओं को हटवा दिया गया। वहीं पीएस यादव ने हमसे बात करते हुए बताया कि आचार संहिता का पूरे क्षेत्र में कठोरता के साथ पालन करवाया जाएगा। जिन निजी वाहनों पर प्लेट, हुटर, पुलिस सेना और जाति विशेष के स्टिकर लगे होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं नशे के काले कारोबारियों पर नशेड़ियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी और क्षेत्र में शांति का माहौल स्थापित करना हमारा उद्देश्य रहेगा। सर, आज से जो आज आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है प्रदेश में, इसके एवज में सर आपने भी आज सर मार्केट में जाकर कुछ सरकारी संपत्ति से होर्डिंग और बैनर हटवाए हैं, सर क्या कार्रवाई है सर, और इस कार्रवाई सर कब तक जारी रहेंगी? ये निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू आज से कर दी गई है, उसके हम पालन में आज कस्बा में घूम फिर करके राजस्व विभाग के साथ भी हमने होर्डिंग और ये हटवाए गए हैं, दीवारों को पुतवाया गया है। अगर इसका फिर भी कोई उल्लंघन करता है तो हम संपत्ति दुरुपयोग अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। कुछ सर गाड़ियां हैं सर जिन पर पद प्लेटें लगी हुई हैं, जातिगत नेम के स्टिकर लगे गए, सर इन लोगों पर भी सर आचार संहिता लागू होगी क्या? हाँ, आदर्श आचार संहिता सभी पर लागू होगी। यदि ऐसी हमें कोई गाड़ी मिलेंगे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। कुछ होर्डिंग सर प्राइवेट लोगों की है सर, जो सरकारी संपत्तियों पर लगी हुई है सर, उनको सर आप ही हटाएंगे या सर उनके लिए ये कुछ? उनको भी हटाना चाहिए और हम हटवा रहे हैं, अभी मुनादी करा दी गई है, लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए हटा दिया गया, और फिर भी इसका कोई उल्लंघन करेगा तो हम अपराध कायम करेंगे और कार्रवाई करेंगे और आदर्श संहिता का कठोरता से पालन करेंगे। चुनाव को लेकर सर क्या संदेश देना चाहते हो सर क्षेत्र में? हम शांति व्यवस्था कायम करेंगे। सर नशे के खिलाफ भी सर अभियान आपके लगातार जारी है, आज भी सर कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं? आज हमने पूरे दल बल के सहित कस्बा में नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है, प्रतिबंधात्मक उनको जेल भेजा है, और या तो वो नशा छोड़ दें या नशे या नशे कराल छोड़ दें, हम उनके खिलाफ मुहिम बराबर चलाते रहेंगे, जनता का हमें सहयोग भरपूर मिल रहा है। यानी इसका तात्पर्य सर कि कराल से नशे को बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा? सही बात है, बिल्कुल नशा नहीं चलने देंगे, लोगों को शांति से जीवन जीने के लिए रहेंगे।